हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साउंड स्टैंडर्ड CA12 का रिव्यू करने जा रहे हैं। देखेंगे कि ये एम्पलीफायर कितना आउटपुट जनरेट करता है, कितना आप बेस चला सकते हैं, कितना टॉप चलाना सही रहेगा, इसका डंपिंग फैक्टर और अभी का लेटेस्ट प्राइस क्या निकल के आ रहा है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप CA12 के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं साउंड स्टैंडर्ड की तरफ से CA12 का। तो चलिए इसका फर्स्ट लुक देखते हैं। तो आपके सामने है न्यू मॉडल साउंड स्टैंडर्ड CA12 का। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर को, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा लुकिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल जो दिया गया है वो एल्युमिनियम का है, जो कि काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे 4 होल्स दिए गए हैं, जिसको आप फ्लैट केस में जब एम्पलीफायर को रखोगे तो उसको कसने के काम में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ग्रिल दिया गया है, ये भी दिखने में कूल लग रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन सिस्टम है, जो कि आपका एम्पलीफायर को ठंडा करने के काम में आने वाला है। आपका जो है हीट आगे की ओर निकलते जाएगा, ठीक है, बैक पैनल से वो ठंडा एयर खींचेगा और यहाँ पे आपका फ्रंट से हीट निकलते जाएगा। यहाँ पे 2 फैंस का यूज़ किया गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं CA12 को मेंशन किया गया, और यहाँ पे साउंड स्टैंडर्ड का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और साउंड स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ है और CA12। तो देख सकते हैं ब्लू कलर से लिखा गया है CA12 को, तो देख सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला इंडिकेटर है ऑन का, उसके बाद फिर प्रोटेक्शन का, फिर सिग्नल का, फिर क्लिप का। आपको पता ही है इसके बारे में, अगर नहीं है तो फिर भी जान लीजिए। तो पहला तो हो जाएगा ऑन, जैसे ही पावर ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन का इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट होता है या फिर आपका कनेक्शन लूज लेस होता है तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पीकर अगर फूक गया तो उस कंडीशन में भी आपको मिल जाएगा, ओवर हीट ओवरलोड में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एम्पलीफायर में कोई फॉल्ट हो गया तो फिर प्रोटेक्शन आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्नल है, जैसे ही आप एम्पलीफायर में कोई भी सिग्नल को इनपुट करोगे, मिक्सर से जो भी आएगा, यहाँ पे आपको सिग्नल ब्लिंग होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिप, यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिखेगा, ठीक है। अगर क्लिप ज्यादा हो रहा है तो आप इसका गेन को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इसके नॉब के हेल्प से, ठीक है। तो पर्टिकुलर चैनल के लिए यहाँ पे आपको 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया गया है, गेन भी बोल सकते हैं इस चीज को। और यहाँ पे काफी एम्पलीफायर यूनिक लग रहा है, इसका हम आपको पहले वाला मॉडल दिखाना चाहेंगे। तो देख सकते हैं ये है साउंड स्टैंडर्ड का पहले का मॉडल, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको यूनिक कर दिया गया, थोड़ा सा दिखने में चेंज है, बाकी काम वही करने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले का एम्पलीफायर ज़्यादा पावरफुल था और अभी का थोड़ा कम हो गया, ऐसा नहीं है। जैसा पहले हुआ करता था अभी भी है, लेकिन पहले से एडवांस ही हो गया होगा। और देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग भी लिखा गया, और इसका बैक पैनल ये है, ठीक है। जो भी साउंड स्टैंडर्ड CA12 से लेके CA20 तक आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा, सबका सेम ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चीज़ हमको देखने को मिला, क्या पता है, देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट फिल्टर लगा दिया गया। जो भी आपका फैन चलेगा तो उसके साथ साथ आपका धूल कण भी प्रवेश करेगा एम्पलीफायर में, जो कि अच्छा नहीं है हमारे एम्पलीफायर के लिए। तो इस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे डस्ट फिल्टर भी लगा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ग्रिल भी काफ़ी अच्छा है, और देख सकते हैं एक यहाँ पे नोट लिखा गया है, प्लीज क्लीन योर डस्ट फिल्टर एवरी 30 डेज। तो आपको साफ करना चाहिए एम्पलीफायर को ओपन करके, अगर आप जैसा ही आपका काम हो रहा है तो उसके हिसाब से आप एम्पलीफायर में थोड़ा सा सर्विस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल इनपुट के लिए आपको मेल फीमेल XLR देखने को मिलेगा, यहाँ पे TRS पिन का यूज नहीं किया गया, ठीक है। आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, इससे आउट ले सकते हैं, फिर इसमें इनपुट करके इससे आउट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ब्रिज मोड के लिए एक इंडिकेटर दिया गया, जो कि काफी अच्छा बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं सेंसिटिविटी के लिए आपको एक स्विच मिल जाएगा, जितने भी आप इसको वैल्यू में करना चाहें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप किस मोड में चलाना चाहते हैं, स्टीरियो मोड, पैरेलल मोड, ब्रिज मोड, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, स्टीरियो का मतलब हो जाएगा कि 2 इनपुट करोगे और यहाँ पे 2 आउटपुट आपका निकलेगा। पैरेलल का मतलब होगा कि 1 इनपुट करोगे और यहाँ पे आपका 2 आउटपुट निकल जाएगा। और ब्रिज मोनो का मतलब होगा कि यहाँ पे 1 इनपुट करोगे और यहाँ पे प्लस, और ये वाला बन जाएगा माइनस। देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी किया गया, आप इसको
इसको देख के आप कनेक्शन कर सकते हैं। ब्रिज मोड थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा और यहाँ पे आपको येलो कलर से यहाँ पे इंडिकेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई पास लो पास क्रॉस ओवर दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे हिसाब से। इसमें अगर पर्टिकुलर चैनल में अगर ये लगा दिया जाता, दोनों चैनल के लिए दो क्रॉस ओवर अगर यहाँ पे होता तो काफ़ी मज़ा आ जाता, जैसा कि डायनाटेक के एम्पलीफायर्स में आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटर को ऑन करना है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड को भी ऑन कर देना, तो इसको इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा। अगर इसका पर्टिकुलर सेटिंग वीडियो देखना चाहते हैं, हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आई बटन में लिंक लगा देंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। और ये एम्पलीफायर आपका ओरिजिनल है या फिर डी, मतलब कि समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा, आप इसके वेबसाइट पे आके देख सकते हैं, अपना सीरियल नंबर डाल के पता चल जाएगा कि आपका एम्पलीफायर ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट है। और आपके बॉक्स में भी यहाँ पे वहाँ पे एक साइड में मेंशन किया होगा, ठीक है, स्टिकर सटा होता है उसका, एम्पलीफायर का डिटेलिंग कितना वेट है और सीरियल नंबर चेसी नंबर सब कुछ यहाँ पे आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो आप इसको मिला लीजिएगा। और यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकॉन कनेक्टर के लिए यहाँ पे कुछ डिटेलिंग्स दिए गए, आप चेकआउट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी कि आपको साउंड स्टैंडर का एक लोगो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही उसको थोड़ा सा सेक करोगे, मतलब एम्पलीफायर को ऊपर नीचे करोगे, ठीक है, तो आपको वो चमकता हुआ उसका रंग बदल जाएगा, तो उस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। तो ये था एम्पलीफायर की कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहा है, आइए इसका पूरा डिटेलिंग लेते हैं। तो देख सकते हैं ये है साउंड स्टैंडर का वेबसाइट, तो हम लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है सी एस सीरीज का एम्पलीफायर। तो फीचर्स के बारे में बात करें तो पावर फैक्टर करेक्शन टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सल मेंस RSMPS, ठीक है, XLR सिग्नल इनपुट एंड स्पीकॉन आपको देखने को मिल जाएगा, इनपुट सेंसिटिविटी सेलेक्टर स्विच मिल जाएगा, राउटिंग मोड सेलेक्टर ऑन द बैक पैनल, पैरेलल स्टीरियो और ब्रिज आप कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मोड के लिए देख सकते हैं 1 in 4 out कर सकते हैं, ठीक है। चैनल इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन एंड क्लिप वार्निंग इंडिकेटर ऑन द फ्रंट पैनल, जैसा कि हम आपको इंडिकेटर के बारे में बताएं। और चैनल इंडिपेंडेंट पावर एंड 5 dB 10 dB 20 dB सिग्नल प्रेजेंस इंडिकेटर ऑन द फ्रंट पैनल, यहाँ पे आपको इंडिकेटर से शो कर दिया जाएगा। और भी आप फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि CA12 कितना आउटपुट जनरेट करता है, फिर इसमें बेस कितना वाट का चला सकते हैं, टॉप कितना वाट का चला सकते हैं, क्या 4 टॉप चला सकते हैं इस एम्पलीफायर पे एक साथ, तो सब कुछ हम आपको बताएंगे, फिर प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो CA12 आपको 8 ओम के लोड पे दे देता है 800 वाट पर चैनल, ठीक है। 4 ओम के लोड पे आपको दे देता है 1275 वाट पर चैनल, तो दोनों चैनल में आपको मिल जाएगा सेम। और 2 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1700 वाट पर चैनल, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप अगर 4 टॉप चलाना चाहें तो ये संभव है, बहुत सारे एम्पलीफायर में आपको ये देखने को नहीं मिल जाएगा। ब्रिज आउटपुट का बात करें तो मतलब कि दोनों चैनल को मर्ज करके कितना आउटपुट निकलेगा, आपको मिल जाएगा 8 ओम के लोड पे 2550 वाट, ठीक है, और 4 ओम के लोड पे 3400 वाट। तो दोनों चैनल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्की भी हो जाता है ब्रिज मोड। अगर आपको पूरा डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा इसके बारे में ब्रिज मोड क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करना है, तो हम वीडियो बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 20 Hz to 20 kHz, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं क्रॉसओवर लगा के, या फिर इसका क्रॉसओवर भी आप यूज कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं कई तरह के डिटेलिंग सबको देखने को मिल जाएगा। और काफी एक जरूरी डिटेलिंग है, क्या है उसका डंपिंग फैक्टर, कि इसका डंपिंग फैक्टर कितना है, तो यहाँ पे 300 का डंपिंग फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इनपुट सेंसिटिविटी देख सकते हैं 0.775 volt to 1.4 volt तक आप दे सकते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज गेन यहाँ पे 40.3 dB तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट सर्किट आपको क्लास H मिल जाएगा, मतलब कि क्लास H प्रोफेशनल एम्पलीफायर है, जो भी इसका स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी वोल्टेज होता है, तो वो आप डिटेलिंग चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके। और इसका डायमेंशन भी यहाँ पे दिया गया है। और इसका वेट का बात करें तो मतलब कि उठाने बैठाने में क्या होने वाला है, तो इसका वेट हो जाता है 34 किलो, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कस्टमाइज कर लीजिएगा, मतलब कि 2 जन मिल के उठाएंगे तो काफ़ी अच्छे से आप उठा सकते हैं, थोड़ा सा आराम से ही उठाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको इसका आउटपुट के बारे में बताएं कि CA12 कितना आउटपुट देता है आपको। अब देखते हैं कि इसमें बेस चलाना तो कैसे चलाएं, डुअल बेस, सिंगल बेस, ठीक है, टॉप्स कैसे चलाएं, 1 टॉप 2 टॉप 4 टॉप एक साथ, तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को, फिर प्राइस के बारे में बताएंगे। तो सिंगल बेस अगर आप चलाना चाहें तो आपको 800 वाट का आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप एक चैनल पे एक बेस चला सकते हैं, दूसरे चैनल पे भी एक बेस चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आपके पास 800 वाट का स्पीकर है RMS पावर का, तो आप इस पर ईजिली चला सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम अगर आपके पास 1000 वाट तक का स्पीकर है तो आप डाल सकते हैं, कोई यहाँ पे
यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, यहाँ पे आराम से ये एम्पलीफायर चला देगा। ठीक है, AES है तो अगर 1200 वाट तक का AES पावर का स्पीकर है तो भी ये काफ़ी आराम से चलाने वाला है। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डुअल बेस कैसे चलाएं। तो डुअल बेस का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, 1275 वाट का आउटपुट। तो अगर आपके पास 600 वाट का स्पीकर लगा हुआ है एक बेस में, मतलब कि एक बेस में दो स्पीकर लगा हुआ है 600 वाट का, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा 1200 वाट। ठीक है, यहाँ पे 1275 वाट का आउटपुट ये दे ही रहा है, तो आप इस पे इजिली चला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर ओवर में जाना हो तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, तो 600 वाट का स्पीकर चलाएं तो काफ़ी बेहतर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर 800 वाट का है तो ये चल जाएगा क्या? चल तो जाएगा, लेकिन पंच शायद वैसा नहीं मिले। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमको प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, तो इस पे 2 ओम का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें टॉप्स कैसे चलाएं। तो जनरली हम इस एम्पलीफायर का यूज़ करना चाहेंगे टॉप चलाने के लिए, जो कि हम मेरे पास 500 वाट का स्पीकर है, 600 वाट का स्पीकर लगा हुआ है हम मेरे टॉप में, तो हम उसको आराम से चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप के लिए। तो दोस्तों आपको 4 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1275 वाट का आउटपुट। तो अगर आपके पास 600 वाट का स्पीकर लगा हुआ है एक टॉप में, 600 हो जाएगा 1200 वाट। तो यहाँ पे आपको 4 ओम पे 1200 वाट तो मिल ही रहा है, बाकी 100 वाट का HF, तो यहाँ पे इजिली आपका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और टॉप काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको निकल के दे सकता है। डंपिंग फैक्टर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे निकल रहा है, 300 टॉप के लिए मोर देन इनफ है। तो एक एक टॉप आप चला सकते हैं 4 ओम के लोड पे। अगर आप इस पे 4 टॉप चलाना चाहें तो ये संभव है। तो दोस्तों ये संभव है, आप एक चैनल पे 2 टॉप चला सकते हैं, दूसरे चैनल पे भी 2 टॉप चला सकते हैं। तो कैसे चलाएंगे? तो 4 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 1700 वाट का आउटपुट। अगर आपके पास 300 वाट का स्पीकर है एक टॉप में 300 और नीचे 300, तो 600 वाट हो गया, और एक टॉप मतलब हो जाएगा आपका 700 वाट का एक टॉप, दूसरा टॉप 700 वाट, तो 1400 वाट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर भी यहाँ देख सकते हैं एक चैनल में 1700 वाट का आउटपुट है। तो अगर आपके पास 300 से भी ज़्यादा है, मतलब कि 400 वाट का स्पीकर है, तो यहाँ पे काफ़ी इजिली चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें 300 वाट का स्पीकर डालें, 2 ओम पे थोड़ा हिट करता है एम्पलीफायर, तो हिसाब से इसको और गेन को थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, क्लिप व्लिप कम करें। तो चलिए ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो आइए देखते हैं कि इस एम्पलीफायर का अभी का प्राइस क्या है, 2023 का प्राइस क्या निकल के आ रहा है। तो उसके लिए लेके चलेंगे इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे साउंड स्टैंडर्ड 3400 वाट 4 ओम CA12 साउंड स्टैंडर्ड एम्पलीफायर। तो देख सकते हैं इसका प्राइस निकल के आ रहा है 35,990, मान के चलते कि 36,000। ठीक है, तो अप्रॉक्स 36,000 के बीच में आपको ये एम्पलीफायर मिल जाएगा। ठीक है, 32 से 36,000 के बीच में, तो आपके एरिया के हिसाब से ये प्राइस सेट होता है। जो भी टैक्स लगता है तो 1,000-2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, शायद कम में ही मिल जाए, ज़्यादा भी लग सकता है, तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। बाकी इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिल जाएगा। टॉप अगर चला रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी वैल्यू ये ऐड कर सकता है आपके सिस्टम में। तो मेरे तरफ से तो हाँ ही है, आप इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करके काफ़ी लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इस ब्रांड का एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं CA20, तो ठीक है, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो साउंड स्टैंडर्ड CA12 के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे, टॉपिक को कवर करके आपके साथ नॉलेज को शेयर करेंगे। और CA20 के बारे में आप डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं, प्राइस स्पेसिफिकेशन कितना लोड चलाना सही रहेगा, तो हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो कवर कर चुके हैं, आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।